हेलो दोस्तों, स्वागत है मम्मी की रसोई में। तो आज हम जा रहे बनाने बिहार की फेमस डिश जिसका नाम है ठेकुआ। इसको बनाने की विधि बहुत ही आसान है। इसको हम स्पेशली छठ पूजा में बनाते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने के लिए हमने सबसे पहले आटा लिया, चीनी लिया, नारियल को छोटे छोटे पीस में काट लिया और साथ ही हमने किशमिश लिया, रिफाइन लिया है। तो चलिए शुरू करते ठेकुआ कैसे बनाए। सबसे पहले हमने एक बॉल लिया, उसमें चीनी डालकर पानी भी डाल दिया, उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर जो हमने आटा लिया था, हमने उसमें ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया और उसको हाथ से अच्छी तरह से मिलाएंगे और साथ ही रिफाइन ऑयल को भी डालेंगे। इसको हाथ से मिलाने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता और खाने में बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो इसको अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे, तो जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद जो हमने चीनी का पानी लिया था, हमने उसको 10 मिनट तक छोड़ दिया था। तो देखिए 10 मिनट बाद थोड़ी थोड़ी चीनी हमारी फूल गई है। अब हम उसको हाथ से चलाएँगे और चलाने के बाद इसमें डाल देंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ हमें नहीं डालना है। थोड़ा डालने के बाद फिर उसको मिला देंगे, फिर साथ ही में थोड़ा सा और डालेंगे। चीनी आप अपने अनुसार भी ले सकते हैं। एक उसका हम अच्छा सा डोई बना लेंगे। हमें डोई ज़्यादा टाइट भी नहीं बनानी है, ज़्यादा लूज भी नहीं बनानी है। तो जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, हमें सेम इसी प्रोसेस से बनाना है। तो आप भी ऐसे ही डोई बनाना। तो है ना, इसको बनाने की विधि बहुत ही आसान। तो देखिए डोई रेडी हो गया। चलिए आगे की स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले हमने गैस की फ्लेम को ऑन किया और उसमें कढ़ाई को बैठा दिया और साथ ही हमने रिफाइन ऑयल को डाल दिया। इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से हीट होने देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रख देंगे, हमें हाई पर नहीं रखना। उसके बाद हम एक प्लेट ले लेंगे और जो ठेकुआ बनाने वाला मशीन होता है ना, उसमें रिफाइन ऑयल को अच्छी तरह से लगा देंगे। रिफाइन ऑयल इसलिए लगाएंगे ताकि हमारा ठेकुआ अच्छे से निकल जाए। इसके बाद जो हमने जो आटा का डोई बनाया था, उसमें जाकर प्रेस कर देंगे। हमें हल्के हाथ से प्रेस करना है और फिर हम प्लेट में एक एक करके रख देंगे। तो जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, हमें सेम इसी प्रोसेस से करना है। एक एक करके ऐसे रख देंगे। अगर आपको कोई और भी डिजाइन बनाने हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये स्पेशली छठ पूजा में बनाया जाता है ठेकुआ, और छठ पूजा के लिए बहुत ही फेमस है। तो ये देखिए हमारा दूसरा डिज़ाइन भी रेडी हो गया। कितना अच्छा लग रहा है, एकदम लिप्स के जैसे लग रहा है ना, और वो फ्लावर्स के जैसे। अगर आपके पास ये मशीन नहीं, तब हाथ से भी बना सकते हैं। पहले आटा का डोई लेंगे, फिर हाथ से प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए हमने सब ठेकुआ को बना लिया, फिर प्लेट में रख देंगे। तो ये देखिए हमने सब ठेकुआ को बना लिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने जो गैस पर रिफाइन को बैठाया था, वो हीट हो गया। अब हम एक एक ठेकुआ करके डाल देंगे। ठेकुआ को एक साथ ही नहीं डालेंगे, एक एक करके डालेंगे। ठेकुआ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और मिठाई को फेल कर देता है। फिर हम सब ठेकुआ को एक एक करके डाल देंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। इसको रेड जैसा होने देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसको साथ ही पलटते रहेंगे। आराम आराम से पलटना है। जो हमारे घर में सामान होता है, हम उसी से बनाते हैं। तो आप भी ठेकुआ बनाइए, खूब इंजॉय कीजिए। तो ये देखिए हमारा ठेकुआ का कलर पहले से चेंज होने लगा। तो देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना ठेकुआ। तो आप भी बनाइए। हमने इसीलिए बोला था गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, तभी हमारा ठेकुआ जलेगा नहीं। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट होने के बाद हमारा ठेकुआ हो गया ना रेड जैसा। इसको पलट देंगे फिर से। तो है ना बहुत ही ईजी रेसिपी। इसमें कुछ तो लगता भी तो नहीं है।
अगर आपको मैदे का ठेकुआ बनाना तो उसको भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए हमने सब ठेकुआ को रेडी कर लिया, अब हम इसको भी फ्राई करेंगे। पहले इसको एक एक करके निकालेंगे, हमें एक एक करके निकालना है और आराम आराम से निकालना है। ये देखिए हमें सेम ऐसा ही ठेकुआ को रखना है, इससे ज़्यादा हमें रेड नहीं करना है। फिर हम एक एक ठेकुआ को निकाल कर सेकंड बैच को भी डालकर ऐसे फ्राई कर लेंगे। तो चलिए सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा ठेकुआ बनकर रेडी हो गया, एकदम मिठाई जैसा लग रहा है ना, एकदम मिठाई को फेल कर देने वाला है ठेकुआ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।